हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हाउस ऑफ रेसिपी। आज मैं आपके लिए एक हेल्थ टॉनिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत सी बीमारियों को दूर करेगा और जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है वो कोलेस्ट्रॉल को भी घटाएगा। ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। आप इसे महीने में बस एक बारी बना के रख लीजिए और डेली सुबह अपने दिन की शुरुआत इससे करिए। मैं भी ये डेली लेती हूँ और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए मैं आपको एक कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट दिखाती हूँ। ये लिपिड स्क्रीन है सिरम। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट्स में देखिए 227 है। एक और एलिमेंट होता है ट्राइग्लाइसराइड्स, ये 150 से कम होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट्स में देखिए ये 182 है। फिर आता है HDL कोलेस्ट्रॉल, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, ये 40 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका कम है तो ये इसे भी बढ़ा देगा। इस रिपोर्ट में देखिए रिजल्ट में ये 47 है, मतलब ये ठीक है। फिर आता है LDL कोलेस्ट्रॉल, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, और VLDL कोलेस्ट्रॉल, ये टॉनिक इसे भी मैनेज करने में हेल्प करता है। इसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही आसान हैं। मैंने 250 ग्राम्स नींबू को गर्म पानी में डिप किया है, 250 ग्राम जिंजर, 250 ग्राम लहसुन यानी कि गार्लिक को मैंने छील लिया है गर्म पानी में डाल के, एप्पल साइडर विनेगर की एक बॉटल है और एक हनी है डाबर का। सबसे पहले हम गार्लिक को जार में डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे और फिर एक कॉटन का कपड़ा लेकर उसे बाउल में ऐसे रखेंगे और इसके अंदर ये ग्राइंड किया हुआ सारा गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। इसका हमें जूस निकालना है। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या कोई दुपट्टे का पीस ले सकते हैं, उसको स्क्वायर में काट कर ऐसे बाउल पर सेट करिए और उसमें सारा गार्लिक का पेस्ट डाल दीजिए। ये पेस्ट क्लोथ में डालने के बाद हम क्लोथ के सारे कॉर्नर्स को पकड़ेंगे और उसमें से सारा जूस स्क्वीज कर लेंगे। ये देखिए कितनी इजीली इसमें से जूस निकल रहा है। अगर आपको ग्राइंड करने में प्रॉब्लम हो गार्लिक को तो आप थोड़ा सा उसमें वाटर डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 or 2 teaspoon ही। ये देखिए पूरा जूस निकल आएगा। अब हम ये गार्लिक जो है जिसमें से जूस निकल चुका है, इसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और इसे हम सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने सेम वे में जिंजर को भी छील के उसको अच्छे से वॉश करके जार में ग्राइंड कर लिया है और इसे भी हम ऐसे ही क्लोथ लगाएंगे बाउल पे और सारा ग्राइंड किया हुआ जिंजर इसमें डाल के इसका जूस स्क्वीज आउट कर लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जितना जूस गार्लिक का निकाला है हमें उतना ही जूस जिंजर का चाहिए और सेम क्वांटिटी जूस हमें लेमन का भी चाहिए। तीनों चीज़ों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर कम ज़्यादा है तो आप प्लीज़ थोड़ा और गार्लिक या थोड़ा और जिंजर लेकर उसको एडजस्ट करें। जिंजर का जूस भी निकाल लेंगे हम ऐसे ही। ये भी हमें एग्जैक्टली 1 bowl चाहिए जितना हमारा गार्लिक का जूस है। ये हमारा 1 bowl जिंजर जूस रेडी है। अब जो हमारे क्लोथ में लेफ्ट ओवर जिंजर है इसको भी हम एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे और हम इसे चाय में भी यूज़ कर सकते हैं। अब लेमन जूस भी निकाल लिया है हमने 1 bowl। ये तीनों चीज़ों को हम एक पैन में डालेंगे, लेमन जूस, गार्लिक जूस और ये जिंजर जूस। अब यही सेम क्वांटिटी 1 bowl हमें एप्पल साइडर विनेगर लेना है और इसे भी हम इस पैन में डाल देंगे। ये चारों चीज़ों को मिक्स करके हमें पहले 1 boil आने तक पकाना है और उसके बाद ये 4 bowl के जब 3 bowl रह जाएं, यानी कि जब 3/4 रह जाए तब हम इसे बंद करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली इसमें 12 टू 15 मिनट्स लगेंगे और ये फिर थोड़ा सा थिक होने लगेगा। ये देखिए अब 15 मिनट्स हो चुके हैं और ये थोड़ा सा थिक होने लग गया है। अब बीच बीच में इसे चेक करते रहें क्योंकि ये बाहर भी निकल सकता है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। ये मिक्सचर कूल होने के बाद हम इसमें 3 bowl हनी डालेंगे। 3 bowl मतलब हमारा मिक्सचर कुक होने के बाद जो 3/4 था, मतलब 3 bowls रह गया था 4 bowls का, वो उतनी ही सेम क्वांटिटी हम हनी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 bowl हनी ऐड किया है इसमें और इसके बाद हम एक ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको किसी नॉर्मल विस्कर से या फिर एक स्पून से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इसे आप किसी भी कांच के जार में स्टोर करें। एवरी मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक 1 teaspoon लेना है या फिर ल्यूकवार्म वाटर में मिक्स करके पिएं।
आपको 1 वीक में ही इसके बेनिफिट्स दिखने लगेंगे। एंड अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की कोई भी मेडिसिन चल रही है उसको कंटिन्यू रखें, अपने रेगुलर चेकअप्स कंटिन्यू रखें और साइड बाय साइड ये लेते रहें। इस रेसिपी में हमने सारे ही इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नेचुरल यूज़ किए हैं, लेकिन फिर भी एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। अगर आपको कोई भी इससे एलर्जी हो तो इसको बंद कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब फ्रेंड्स फॉर मोर सच रेसिपीज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू।